हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलजी क्लासेस। कल हमने अपने अध्याय थर्ड को जारी रखते हुए अपने 3.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 3.2 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए भाग देना है। तो आइए पहले हम बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि इन भाज्य, भाजक और भागफल शेषफल के मध्य संबंध क्या होता है और कौन सा भाजक होता है, कौन सा भाग भाज्य होता है, ये सब भी बता देता हूँ मैं। तो जैसा कि 9वीं क्लास में पढ़ चुका है ये पहले, आप फिर भी एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले भाज्य, तो इन दोनों का मतलब इन चारों में एक दूसरे से संबंध इस प्रकार से होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। अब इसमें से कि भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, भाज्य क्या है, ये बहुत ही कंफ्यूजन रहता है बच्चों के मन में। तो इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि होता है क्या एक्चुअली। हम जैसे कि यहाँ जो हम जिसका भाग दे रहे हैं जिस, तो वो तो हो जाएगा भाजक। अब जिसमें भाग दे रहे हैं वो हो जाएगा भाज्य। अब जो अपना आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा भागफल। अब भाग देने के बाद में अपने पास कुछ शेष बचेगा, वो हो जाएगा शेषफल। आई थिंक अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा कि भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा और शेषफल कौन सा है। तो ठीक है, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बात करते हैं इसके प्रश्नावली की ओर मूव ऑन करते हैं, क्योंकि अपनी प्रश्नावली संख्या 3.2 है। प्रश्नावली संख्या 3.2 क्या कह रही है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एफ एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल को ज्ञात कीजिए। अब भागफल तथा शेषफल को ज्ञात करना है, देखो एफ एक्स मेरे पास ये है और जी एस ये है। सबसे पहले आपको एग्जाम में जाते ही ये काम करना है कि इसे एफ एक्स और जी एक्स को व्यवस्थित क्रम में लिखना है। कैसे, कि घात की घटती हुई क्रम में इसको लिखना है। ठीक है, अब देखो ये तो व्यवस्थित है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं, 3 2 1 चाहिए और 0। यहाँ देखो यहाँ उल्टा है, तो इसको सही करने के लिए पहले एक्स स्क्वायर को लिखना, फिर 2x को लिखना है और फिर 1 को लिखना है। अब ये एकदम व्यवस्थित क्रम में हो गया। अब क्या करना है आपको, अपने को भाग देना है विभाजन एल्गोरिथम लगाते हुए। अब देखो अपने, मैंने क्या बोला था कि जो भाजक है उधर इसको इधर लिखना है, तो भाजक अपना ये है क्योंकि इसका जी एक्स का भाग देना है, और भाज्य कौन सा है जिसका, जिसमें अपने को भाग देना है, तो ये पूरा भाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने को क्या क्या कहना है, एक तो भागफल और शेषफल। अब देखो कैसे करना है इसको, अपने की रब की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, ये आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद रब जाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक बार मैं रब करके देख लेता हूँ। 3x³ है, इसमें आप एक्स स्क्वायर का भाग देंगे। अब 3x मैंने कहाँ से लाए, 3x³ ये वाला पद लेना है इधर से, इधर इसका भी पहला, इसका भी पहला लेना है, इसका इसमें भाग दे के देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर है यहाँ से कटेगा, तो ये कितना 1 बच जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अब जो 3x आया है उसको तो इधर रखना है, अब जो 3x आया उसमें इस पूरे का गुणा करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, इस पूरे का क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, इसका इसके साथ पहले गुणा होगा, 3x³ हो जाएगा प्लस 2x के साथ गुणा होगा, 6x² हो जाएगा प्लस 1 के साथ गुणा होगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको यहाँ पे रखना है, 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x। अब सबसे पहला काम कि इसके चिन्ह बदलने, अभी ये कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का है तो माइनस कर दो, ये प्लस का है माइनस कर दो, प्लस का है माइनस कर दो। अब देखो अलग अलग निशान और सेम होने पर कट जाते हैं, इसी प्रकार से इन में 6 में से 1 गया, कितने बचे 5, लेकिन ये जिसमें से घटा रहे उसका चिन्ह आता हमेशा, तो 5x². अब देखो ये 3 है ये 2 है, इनमें से इसको घटा दो तो कितना बचेंगे, सिर्फ x बचेगा, और ये 5 बचे थे इसको नीचे ले लो। सेम प्रोसेस वापस चलो, क्या करना है कि -5x² इसका पहला, इसका पहला, x² का भाग दे दो, यहाँ से ये गया तो बचा कितना, -5। अब मैंने क्या बोला था, जो आंसर आए उसको यहाँ रख दो, फिर इसमें इसका गुणा करो फटाफट, -5x² प्लस 10x+5, सॉरी ये माइनस आएगा यहाँ पे, है ना, तो ये आ जाएगा, इसको यहाँ पे रखना है।
-5x² - 10x - 5 हो जाएगा। अब देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, चिन्ह को चेंज करना है। कर दिए ना, चिन्ह हमेशा नीचे वाले का चेंज होता है, ठीक है। ये इसको हटा दो, 10 में से 1 गया तो 9x, इधर 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10। अब यहाँ पे अपने को रोकना है, ये हो जाएगा शेषफल। अब यहाँ पे ही क्यों रोका गुरु जी, और कहीं जगह क्यों नहीं रोका, इससे पहले वाले जगह पर क्यों नहीं रोका। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर इस x² से कम घात आ जाए तब इसको रोक देते हैं, और x² से ज़्यादा घाते हो तब तक इसको, ज़्यादा या बराबर घात हो तब तक इसको भाग देते रहते हैं। अब यहाँ रोक दिया हमने क्योंकि ये x है और ये x² है, भाग नहीं जा सकता, ठीक है। ये अपने आया भागफल, तो इसने क्या ज्ञात करने को बोला था, एक तो भागफल ज्ञात करने को बोला था, आ गया, एक शेषफल ज्ञात करने को बोला था, जो कि आ गया।